साले के थप्पड़ मारूंगा तेरी मुद्दे की मुद। हाँ? और तू मुझे समझाएगी रंड बना तो तू कर रही है। मेरी बात सुन ज्यादा क्या। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। भाई ऐसे ऐसे जो वीडियो बनाते हैं ना, मतलब 1% भी मन नहीं करता ऐसी वीडियो बनाने का, लेकिन पता नहीं यार क्यों, लेकिन बनानी भी पड़ती है। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे साथ में है शिखा जी। मतलब मेरे तो अंदर इतना गुस्सा, मेरे को पता नहीं क्या क्या चढ़ा हुआ है, मतलब फाड़ कर, मतलब गालियाँ निकलेगी यार, सीधी सीधी बात है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसका कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूँ और कुछ आप लोगों को बताऊँ, तो सीधा सीधा शिखा से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वही आप लोगों को जो भी है मतलब बताएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। हेलो सुरेन। हाय। मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज भेजा था, आपने कई दिनों बाद देखा। एक्चुअली मैं आई एम सॉरी, मतलब उसके लिए सॉरी कि मैंने आपका, हाँ मतलब ऐसे देख नहीं सकते, मतलब ज़्यादा वो नहीं, आई एम रियली सॉरी कि मैंने एक्चुअली मैंने आपको मैसेज इसलिए भी ड्रॉप किया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं चाहती थी कि आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि सबको मैं ये बात नहीं बता सकती थी। देखो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब थैंक यू वेरी मच कि आपने इसे लायक समझा। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, कैमरे पे हूँ, कैमरे पे भी कह रहा हूँ, कोई हेल्प की गारंटी नहीं रहा कि जो मैं करूँगा उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। हो सकता है मामला और भी ख़राब हो, ठीक है, लेकिन आपने मतलब रिस्क लिया है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। सुरेन मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये चीज़ सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं ना इस मैटर से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अभी एक बार पूरा सा पूरा ना मैटर बता दो यार, मेरे तो अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वीडियो भी बनानी है। हाँ एक्चुअली हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ से, इसलिए मैं चाहती हूँ सब कुछ आपके सामने बता पाऊँ। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, ये मेरा बेटा है और इसके केयर टेकर के लिए मैंने एक केयर टेकर रखा है। केयर टेकर किस वजह से? मतलब केयर टेकर इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, तो ये अकेला रहता है और इसको ना सांस की प्रॉब्लम भी है। अच्छा, ठीक है। तो इसको टाइम से मेडिसिन मिलती रहे, टाइम से इसको खाना पीना मिलता रहे, तो इसलिए देखभाल के लिए केयर टेकर मैंने इसके लिए रख दी। ठीक है, ठीक है। और अभी रिसेंटली रखी थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं लगभग। ठीक है, और केयर टेकर उस फिर क्या हुआ सुरेन के इसके ना हालत में इम्प्रूवमेंट तो दिखा ही नहीं मुझे। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गई, डॉक्टर ने बताया कि इसको ना कुछ इसकी हाल उसमें ना स्लीपिंग पिल्स टाइप कुछ दिया जा रहा है इसको। अच्छा। Oh, no. हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इतना शॉक्ड कि स्लीपिंग पिल्स तो डॉक्टर के किसी प्रेस्क्रिप्शन में है ही नहीं। अच्छा। और सडन क्या हुआ, उसी दौरान ना मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि आपके घर में जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाहर काम पे जाते हैं कुछ लड़के आते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें ना हम दोनों के माइंड में इतना स्ट्राइक की कि उधर डॉक्टर बोल रहा है कि स्लीपिंग पिल्स दी जा रही हैं, उधर पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि लड़के आते हैं, तो हमें लगा कि हो सकता है कि वो जो हमारे मेड रखी गई थी केयर टेकर, उसने शायद लड़कों को जो अपने घर बुलाती थी और मेरे बेटे को पता ना चले, उसे छुपाने के लिए सुलाने के लिए, और वो उसको स्लीपिंग पिल्स देती थी। और इस चीज़ को क्लियर भी तब हो गया सुरेन कि मैंने एक बार अपने डस्टबिन में देखा कि एक नींद की गोली का पत्ता था वहाँ। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन में कहीं इस चीज़ का था ही नहीं, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने उससे बहुत चीख के, मीन्स गुस्सा हर किसी को आएगा जब उसके बेटे के साथ ये काम होगा, तो सुरेन आप समझ सकते हो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बात की उससे इस बारे में, और तो उसने ना बहुत अलग टाइप में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसको हम लोगों ने धमकी भी दी कि निकल यार यहाँ से, कौन रखेगा ऐसी मेड को, कोई नहीं रखना चाहता। और जब हमने उसको निकालने की धमकी दी तो उसने मुझे बोला कि मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं, बाथरूम में कैमरा फिट कर रखा है, ये सब चीज़ें करके। ठीक है, आपके घर के बाथरूम में? मेरे ही घर के बाथरूम में। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपसेट हैं उस टाइम से, मेरे हस्बैंड को कॉल करके उनसे पैसे वैसे भी मांगे। काम पे आते भी हो? नहीं, काम पे हम लोगों ने उसे निकाल दिया। और सुरेन मैं चाहती भी नहीं कि ऐसी कोई भी केयर टेकर मेरे पास आए या किसी के भी पास जाए, मैं बस इस चीज़ से अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे यार एक बात बताओ, इतने मुश्किल से जैसे तैसे कमाते हैं, इस बच्चे की देखभाल के लिए पैसे करें या फिर उसको फिरौती दें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपने मेरे को बताया कि उसने मतलब पहले बताया था जबकि उसने आपसे दो बार पैसे ले लिए। पैसे ले चुकी है वो। तो अभी कितने की डिमांड कर रही है वो? अभी वो 2 लाख की डिमांड और कर रही है। और पहले कितने ले चुकी है? पहले 50,000 रुपए करके दो बार वो ले चुकी है। अच्छा, 1 लाख उसने मुझे लेने के साथ साथ कहा था कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, पर उसने वीडियो डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो मुझे हर बार यही कहती है कि मैं अब आपकी वीडियो शो कर दूंगी, मतलब ऐसे वायरल कर देगी। वायरल कर देगी, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। तो गाइस यार आपने मतलब इनकी मम्मी की तो बात सुन ली होगी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे हैं, मैं कुछ ज़्यादा बुलवाना नहीं चाहूँगा इसे। जब तुम्हारे मम्मी पापा मतलब घर से बाहर चले जाते थे ऑफिस में, जब जहाँ पे भी अपना काम करते हैं, तो उसके बाद तुम क्या करते थे? मैं सो जाता था। तो वो दीदी आपको दवाई देती थी? हाँ, कुछ दवाई देती थी। तो फिर आपको मतलब आराम से सो जाते थे, फिर उठते कब थे? बहुत देर लगती थी उठने में। अच्छा, ठीक है, तुरंत सो जाते थे क्या दवाई लेते? यार मेरे को नहीं पता भाई वीडियो कैसे जाएगी, लेकिन क्या है कि उन्होंने ना काफ़ी समय हो गया जो मतलब इनकी केयर टेकर वगैरह है, घर पे तो उनको बुलाने नहीं चाहती। हस्बैंड इनके इतने दुखी है कि मतलब इनको ये बोल दिया कि जा यार तू ही कुछ सोल्यूशन निकाल, इन्होंने मतलब निराश होकर मेरे पास मैसेज कर दिया। काफ़ी दिन हो गया, आज उसको यहीं पर बुला रखा है, मेरा उनको पता ही नहीं है जो भी है मतलब क्या है वो, उसको एक भनक भी नहीं है इस चीज़ की कि हम लोगों ने कैमरा सेटअप कर रखा है, हम लोग इनके साथ में हैं पूरी टीम।
लेकिन ना आज का जो एक्सपोज है ना बहन, मतलब सॉरी गाली नहीं देना चाहूँगा, बहुत ही अलग निकलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ना, कभी भी किसी समय वो आ सकती है, मेरा उठ के जाना सही रहेगा। ठीक है मैम, रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अभी जा रहा हूँ, आप मेरा फ़ोन पकड़िए, आप अपना फ़ोन बच्चे को दे दीजिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, आए नॉर्मली बात करना, ये बुलवा देना कि भाई वो आपसे फिरौती मांग रही है और उसने आपके साथ जैसे गलत काम किया हुआ है, सिर्फ इतना बुलवा देना। क्योंकि मैं उससे पहले आऊँगा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, पहले बुलाना भी मत, चाहे वो आपको कुछ भी करे, धमकियाँ दे, गले सुनाए, उससे पहले मेरे को मत बुलाना। थोड़ा सा पेड़ के पीछे छुप के खड़ा आ जाऊँगा, मेरे को लगेगा ना कि जैसे यहाँ उसने कुछ बोल दिया है तो मैं तुरंत आ जाऊँगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो आपको थोड़ा सा गाली भी देना तो थोड़ी सी सहन कर लेना, ठीक है? मैं ट्राई करूंगी पूरी तरह से। ठीक है तो मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? A few moments later. चले कैसे निकल? मेरी वीडियो दिखा पहले मुझे। क्या वीडियो दिखा? तूने मुझे दो बार और इस चीज के लिए बोला था कि वीडियो मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन तूने वीडियो डिलीट नहीं की। तो आज मुझे वीडियो दिखा, उसके बाद तुझे पैसे मिलेंगे। पहले पैसे दे। तू मेरी बात है नहीं क्या तेरे पास वीडियो? मेरे से ना ज्यादा साण पत्ती तो कर मत, ठीक है? पैसे दे, वीडियो दिखा दे, पड़ी है तेरे पास, देख लियो। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या समझूं तेरी बात? देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं ऑलरेडी तेरे को दो बार पैसे दे चुकी हूँ और प्लीज मेरी इस बात को समझने की कोशिश कर। मेरा बच्चा परेशान है, तो मैं दो बार तुझे पैसे दे चुकी, कितनी बार तू इस चीज को लेके पीछे पड़ेगी मेरे? चल मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, चल पैसे दे। पहले वीडियो डिलीट कर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। मेरे से ना सणपत्ती मत दिखा, ठीक है? प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत कर मेरे साथ ऐसा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज से लेकर, बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, प्लीज मेरी बात समझ। तेरा बच्चा है, तू जेल मुझे क्या बता रही है? तेरे में इंसानियत क्या बता रही है मुझे? क्या इंसानियत है क्या? प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज समझ इस चीज को। मैं अब पैसे लाई है नहीं लाई है? एक बार बता, वीडियो तेरे पास पड़ी है ना? पड़ी है, देखी है तूने? बात समझ। क्या करती है तू बाथरूम में? कैसे रगड़ रगड़ के नहाती है? हाँ कहाँ कहाँ हाथ जाते हैं, क्या क्या दिखता है उसमें? हाँ तेरे को सेंस नहीं है किसी लड़की से कैसे बात करनी है? नहीं है मुझ में सेंस, तू बताएगी मुझे क्या सेंस है ये? और ये तेरी अच्छी चीज थी कि तूने मेरे कमरे में मेरे बाथरूम में वीडियो लगा के तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है और इस तरह से पैसे? तू मेरे घर में लड़के बुलाती थी? क्या लड़के बुलाती थी? क्या कर लेगी तू मेरा, क्या कर लेगी ये बता मुझे? मैं तुझे जितने पैसे दे, वीडियो डिलीट करूं, पैसे दे रही है नहीं दे रही है? प्लीज मैं वीडियो वायरल करी थी सोशल मीडिया पर, पैसे दे। कहाँ है पैसे? ये क्या तरीका, ये क्या तरीका है? पीछे हो, हाथ हटा अपना, पैसे दे। ये वीडियो करवानी है डिलीट, करवानी है, पैसे दे। कर डिलीट। ये क्या हो रहा है? पैसे का है ये, छोड़ना, मैं तेरे को पैसे दूंगी तो वीडियो डिलीट करना। ये क्या तरीका है किसी लड़की के बैग में हाथ डालने का? क्या तरीका क्या है तू समझाएगी? क्या बैग है? बस साले थप्पड़ मारूंगा तेरी मुद्दे की। ओए हेलो, हाथ लगा के दिखा पहले, तेरा पति से मन नहीं भरा क्या? ओए खत्म पा लिया तूने? क्या क्या तेरे को बोलने की तमीज नहीं है क्या? नहीं है बोलने की तमीज, तेरे से पैसे मांगे थे मैंने। बेटा रुक, तूने खसम बुला रही है दूसरा। अरे ओ फिर बात, तू क्या समझ रही है अपने आप को? तू समझ क्यों रही है? क्या समझ रही है? क्या समझ रही है तू? कुछ भी बोलने की नहीं है तू, कुछ भी बोलने की तू? पैसे लाए पहले, मतलब किसी को कुछ भी बोलती है? तेरी वीडियो डिलीट कर दूं क्या? तू होता कौन है? किसी के भी करेक्टर पे उंगली उठाएगी तू? तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? कौन है तू? इसका सगा है? तू इसका सगा है? मेरी बात सुन। क्या सुन? चल काम कर, तेरे से ऐसा रैप्टा मारूंगा ना यहीं पे। तू रैप्टा मारेगा मेरे में? मुद्दे की तू रैप्टा मारेगा मेरे में? तू होता कौन है? तू आया बीच में कैसे? तूने वीडियो कैसे बनाई इनकी? जैसे बनती है कैमरे से बनाई है। तेरी बना लूं? बनाऊं तेरी? ओ जानंगी मैं बनाऊं तेरी? बना दूं? तू सगा लग रहा है इसका? तू लग क्या खसम लग रहा है? तू तेरे घर तेरा तो पति था, खसम मार लिया तूने, बॉयफ्रेंड बना लिया? हां और तू मुझे समझाएगी? रंड बना था तू कर रही है? मेरी बात सुन ज्यादा। क्या मेरी बात सुन? पिज़्ज़ा पहले वो देख, तेरा बाप उधर शूट करे, पहले उधर देख, उधर उधर देख। क्या है? उधर उधर देख, अरे उधर देख ना, वो तेरा बाप शूट कर रहा है, उधर लाइव चल रही है, देख उधर देख। ठीक है दूर रह पहले, नाम सर्च कर ले तेरे बाप का, सुरेन रंगा तेरे बाप का यूट्यूब पे नाम सर्च कर ले, तेरे को कर क्या लेगा? उधर देख पता चलेगा तेरे को, सर्च कर एक बार, चल खड़ी हो, पिज़्ज़ा पहले सुरेन रंगा सर्च करियो। अभी भी चिल्ला रही है। ये सब क्या है? ये सब, ये इनमें से एक तू भी है, ये दिख रहे हैं, इनमें से एक तू भी होगी, देख वो तेरा बाप बैठा है। तूने किसे बुलाया? ओ बिल बुला किसी ने। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बात क्या कर रही थी तू? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी।
कुछ भी नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। मैंने मैंने बोला था मैं तेरे को डिलीट कर दूंगी वीडियो, मैं डिलीट कर दूंगी। डिलीट की थी तूने? हां मैंने, मैं कर दूंगी, अब कर दूंगी। नहीं नहीं ना कर रही, तू संभाल कर वीडियो को, तू कर रही हो वायरल। बेटा वायरल मैं करूंगा, मैं करूंगा वायरल, मैं करूंगा ना वायरल। सॉरी बोल रही ना मैं, मास्क उधर मुकर, उधर मुकर, सॉरी बोल रही हूँ ना मैं। क्या सॉरी बोल रही हूँ? मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं मेरी बात सुनो, मैंने इसका मार, इसे माफ, मेरे मारने का मन नहीं। इसने बोला है ना कि मतलब एक तूने हस्बैंड के साथ तोड़ पाया, मैं इसको ऐसा रपटा मार दो, मेरा मारने का जी नहीं कर रहा इसको। बोला कैसे है? तेरे लिए कमा रहे हैं ये, मगर नहीं करूंगी। तुझे मेरी बात सुन, ठीक है? तुझे जो भी करना था अपना कबाड़ा, तेरी जिंदगी थी, तू बहन चो बच्चे को क्या, तू स्लीपिंग पिल्स दे रही है जो डॉक्टर ने ली, तू किस वजह देती, किस वजह से बताइए मेरे को क्यों दे रही थी? अबे नींद की गोली समझ, मैं रैप्टा मारूंगा खींच के, मैं औरत पे आता हूं, पहले बता रहा हूं, आराम से बता तो रही हूं। तो गोलियों को देती थी नींद किसको? मैं इसको आराम से सुला देती थी, आराम से सुला देती। मैं सुला दूं तेरे को, तेरे मुंह में डाल दूं पत्ता? जरा से बच्चे को तो स्लीपिंग पिल्स देके लड़के बुलाती थी अपने घर में। बोल रही मैडम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। ऐसा नहीं, मेरी वीडियो मत डलवाना। मेरी बात सुन, वीडियो तो बात सुन, इधर वीडियो तो डलेगी डलेगी, साथ में अंदर जाएगी ना तेरी, ऐसी तैसी नहीं 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 प्लीज बता दे, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, तेरे को चाहिए नहीं, इतना गंदे फैला रखे तूने। नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं करूंगी। क्या नहीं करेगी मैडम, बोल दो ना, माफ कर देना बेटा। मेरे को समझ आ गया, मजबूर होती है तो कैसा लगता है? माफ आ गया, मुझे समझ आ गया। नहीं क्या समझ आ रहा है? ओ मेरी बात सुन मैडम, कोई वायदा नहीं है, कोई माफ नहीं कर रहा तेरे को। मैं तेरी कंप्लेन आज, तेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी कंप्लेन आज कोई माफ नहीं कर रहा तेरे को। भाग जा, कोई बात नहीं है, मेरे को गुस्सा मत दिला, पहले कह रहा हूँ गुस्सा मत दिला। तो ना कर, ना कर दे, तू कर दे, कर दे, करने मेरी भी कर दे, मैं भी निकाल दूँ, कपड़े निकाल दूँ, कच्छा निकाल दूँ, पूरे इधर नहाने लग जाऊँ, मेरी भी कर दे अगर करनी है तो। नहीं नहीं क्यों, ना मत कर, नहीं करवानी। अरे नहीं करनी बेटा, नहीं करनी। क्यों 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 माफ कर दो, प्लीज मुझे बोल दो ऐसे सब ना, प्लीज आप पहले माफी दे दो ना, प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज माफी दे दो मुझे। मेरी बात सुन, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, तू निकल, हम लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, हमारे पास सारी चीज आ चुकी है। नहीं प्लीज मैडम, अरे तू निकल, आ रहे हो पुलिस वाली, बोल दो ना मैडम प्लीज। बेटा इधर बैग उठा ले अपना, ये तेरे लिए कमा रहे हैं क्या? ये नहीं मांगने की, मैं नहीं मांगने की मैडम, चलो कोई बात नहीं करनी। हाथ छोड़ मेरा मैडम, तुम्हारा छोड़ मेरा प्लीज भाई, कैमरा मैंने वीडियो को सेव करके लिया, हाथ छोड़ मेरा, नहीं छोड़े छोड़े झाटना, अरे वो रहेगा बेटा, वो उठा ले तू जा, घंटा घर खींच तू और लोग, मतलब मेरे पास क्या सर, नहीं नहीं करने की, मैं आज की बात नहीं करने की, समझ में नहीं। मैडम आप इधर आज, छोड़ो उसको, अरे समझ मैडम, तो समझ में नहीं आ रहा, धक्का दे इसको, उठा के इधर से, हट प्लीज छोड़ अभी, मैं सच में नहीं करती मैडम, प्लीज माफ कर दो, मेरी जिंदगी बर्बाद, अरे मत करो ना यार, समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं रपटा खा लेगी, मेरे घर परिवार है, मैं उनके लिए घर परिवार, तूने देख लिया तूने घर परिवार, ठीक है ऐसा ना दूसरों को ना कर रही थी सर, मैं थोड़ा बहुत किसके लिए कर रही थी, मैं अपने घर परिवार वालों को, तू ऐसे के दूसरों को कटती क्या? तूने मेरी बात सुन, अगर तूने सिर्फ पैसे के लिए कट, मेरी बात सुन, पैसे के लिए कट होता ना कोई बात नहीं थी, लेकिन तूने जो ये हरकत करी है ना, वीडियो बनाने वाली और बच्चे नहीं समझ क्या रही है, हमें समझाने नहीं है, हाथ छोड़ दे मेरा, जाना उधर, समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं कह रहा हूँ बीच में मत थप्पड़ खा लेगी, समझ में नहीं आ रहा, एक बार चला जाए, सो फाइनली गाइज कैसी लगी वीडियो? यार एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों, तुम्हारे भाई ने आज तक कभी भी कोई गंद कंटेंट फैला के तुम्हें सब्सक्राइब कर ले के लिए नहीं बोला, सारी की सारी वीडियोस ऐसी देने की कोशिश की है जो आप लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सको, गालियाँ निकलती है भाई, गुस्से में सब निकलते हैं क्योंकि सब चीज़ें रील होते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो भाई फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत है भाई, करते रहेंगे, कभी ना कभी तो करोगे। सो गाइज अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बेल आइकन जरूर ऑन रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत जो उसका नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल पाए। तो इसी उम्मीद में कि आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा,
और वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी मस्ती के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।